हेलो गाइस, टेक्निकल आइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत। गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको इस ब्रशलेस ड्रिल मशीन को बनाकर दिखाऊंगा और ये रिचार्जेबल है। इजीली आप चार्ज करके इसे जो है चला सकते हो और कहीं पर भी ले जा सकते हो। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पावरफुल है। इस वीडियो पे मैं इसे आपको बनाकर दिखाऊंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्रशलेस मोटर। मैं यहाँ पे 1400 केवी का ब्रशलेस मोटर यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ में 30 एम्पियर का ESC। और आपको चाहिए एक सर्वो टेस्टर। ये सर्वो टेस्टर आपको इजीली मिल जाएगा। और इसके साथ में एक चाहिए आपको छोटा सा ड्रिल चक। गाइस, इन सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जाकर आप इजीली परचेस कर सकते हो। मोटर के साथ ड्रिल चक को इस तरीके से लगा के एलेंकी की मदद से मैं यहाँ पे टाइट करके अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट टाइट हो चुका है। इसके बाद गाइस हमें चाहिए एक 40 mm का पाइप, उसमें से 8 सेंटीमीटर पे मार्किंग करके मैं हैक्सा की मदद से यहाँ पे कट कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस पाइप जो हमारा कंप्लीट कट हो चुका है। अभी गाइस इस पाइप का एक साइड पे ढक्कन लगाना है, तो उसके लिए मैं एक PVC शीट को गोल करके कट कर लिया हूँ और इस तरीके से पाइप के अंदर डाल के फेविक्विक की मदद से अच्छे से इसे चिपका दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे मोटर को अच्छे से इस पाइप के ऊपर इस तरीके से रख के और मोटर का जो चारों होल है बिल्कुल अच्छे से सेंटर करके मार्कर के मदद से मैं चारों होल को जो है मार्किंग कर लेता हूँ। फिर सोल्डरिंग आयरन के मदद से चारों मार्किंग के ऊपर अच्छे से छोटा छोटा होल कर देना है, क्योंकि स्क्रू से टाइट करना है। और एक साइड पे एक बड़ा वाला होल करना है। मोटर का तीन वायर जो है, उन तीनों वायर को इस होल के अंदर से डाल देना है इस तरीके से। तो एक एक करके मैं इस तरीके से डाल देता हूँ और इसके बाद मोटर को अच्छे से इन चारों होल को मैच करके स्क्रू के मदद से अच्छे से मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। अभी तक गाइस इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ इस चैनल पर। चारों स्क्रू को जो है अच्छे से मैं यहाँ पे टाइट कर लिया हूँ। इसके बाद हमें चाहिए एक 40 mm का पाइप और इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसे अभी गर्म करने वाला हूँ मैं गैस के ओवन पे। मेरे पास हीट गन नहीं है तो मैं इसी तरीके से इस सब पाइप को जो है गर्म करता हूँ अच्छे से गैस के ओवन पे, इस तरीके से प्लायर से पकड़ के हीट कर लेता हूँ। इस तरह काम करने से पहले आप घर का परमिशन जरूर से ले ले, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पिटाई होने वाला है। आप अगर छोटे हैं तो किसी बड़े का मदद ले सकते हैं इस तरीके का काम करने के लिए। पाइप यहाँ पे अच्छे से गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे एक लकड़े के फट्टे से हल्का दबा देता हूँ इस पाइप को, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे शेप आ चुका है इस पाइप का। अभी दोनों साइड हल्का हल्का टेपर करके इस पाइप को कट करना पड़ेगा। दोनों साइड पाइप का मैं हल्का हल्का टेपर करके कट कर दिया हूँ। अभी इस तरीके से यहाँ पे बिठाना है पाइप को, लेकिन गैप आ रहा है हल्का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एमरी पेपर ले लिया हूँ और इस तरीके से लपेट के और पाइप को लेकर इस तरीके से घिस देना है। तो क्या होगा कि पाइप के हिसाब से बिल्कुल सेफ बन जाएगा इस पाइप का। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। तो चिपकाने से पहले मैं एक होल कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा आपको बड़ा होल कर लेना है इस तरीके का, क्योंकि इसका मोटर का जो वायर है ये इस होल के अंदर से निकालने के लिए। तो अभी मैं इस पाइप को यहाँ पे चिपका देता हूँ फेविक्विक की मदद से अच्छे से। बिल्कुल भी ढीला नहीं रखना है, अच्छे से यहाँ पे फेविक्विक से चिपका देना है। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन का बॉडी बन चुका है। अभी इस मोटर में ESC कनेक्ट कर देते हैं। तीनों वायर जो निकला हुआ है मोटर का, उसमें ESC का जो तीन वायर है, तीनों वायर को आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं तीनों वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, लेकिन आपका मोटर अगर उल्टा घूमता है तो यहाँ पे तीन वायर में से दो वायर को आपको आपस में एक्सचेंज करके कनेक्शन करना पड़ेगा, तो आपका मोटर सही घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कनेक्शन होने के बाद ESC को अच्छे से यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ। ESC में पावर देने के लिए दो वायर निकले हुए हैं, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। उन दोनों वायर को मैं उस होल के अंदर से इस तरीके से नीचे की तरफ निकाल लेता हूँ। पाइप के अंदर अच्छे से ESC को फिट कर दिया हूँ। अभी इसमें सर्वो टेस्टर लगाना है, तो उसके लिए इस सर्वो टेस्टर को थोड़ा खोलना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फटाफट से इसे खोल लेते हैं। इसका जो पोटेंशियोमीटर है उसे हमें निकालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस बोर्ड से पोटेंशियोमीटर को निकाल लिया हूँ। इसके बाद इस तरह का एक वायर लेना है और पोटेंशियोमीटर का जो तीन लेग है उस पर तीनों वायर को सोल्डरिंग कर देना है, और इस तीन वायर का जो अपोजिट सिरा है उसको इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसा पोटेंशियोमीटर लगा हुआ था सेम वैसे ही कनेक्शन करना है, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है कैसे क्या कनेक्शन करना है। इसके बाद सर्वो टेस्टर का जो तीन पिन लगे हुए हैं जिस साइड पे, उस साइड पे आपको ESC का जो सिग्नल वायर पिन है उसको आपको टॉप पिन पे लगा देना है। तो इस तरीके से आपको वीडियो पे देख के इजिली कनेक्शन कर सकते हैं। फिर पैकिंग टेप की मदद से मैं इस सर्वो टेस्टर को अच्छे से कवर कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे खुला रखने से शॉर्ट सर्किट होने का चांसेज है, इसीलिए मैं पैकिंग टेप की मदद से इसको पूरा कवर कर दिया हूँ। अभी इसको अंदर इस तरीके से ESC के साइड से पाइप के अंदर इस तरीके से डाल देता हूँ। इसके बाद एक राउंड पीस ले लेना है, उसका सेंटर में होल करके पोटेंशियोमीटर को उस होल के अंदर डाल के इस तरीके से
हॉट ग्लू के मदद से मैं इस पोटेंशियोमीटर को अच्छे से यहाँ पे चिपका देता हूँ। फिर इस राउंड पीस को पाइप के पीछे में इस तरीके से फिट करना है और फेविक्विक की मदद से अच्छे से यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो नॉब मैंने खोला था उसको अच्छे से यहाँ पे फिट कर देता हूँ। देख सकते हैं अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे 75 mm डायमीटर का मैं एक पाइप ले लिया हूँ और इसका लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। तो अभी इसे जो है गैस के ओवन पे अच्छे से गर्म करना है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे इसे गर्म कर लेता। यहाँ पर आपको 1 इंच पाइप का 2 पीस ले लेना है। उसे क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से गर्म होने के बाद दोनों पीस को अंदर डाल के और खींच देना है पाइप को। तो कुछ इस तरीके का डिजाइन बन चुका है। अभी इसके सेंटर में एक होल करना है, तो मैं फटाफट से एक बड़ा साइज का यहाँ पे होल कर लिया हूँ कटर के मदद से। उसके बाद गाइस ड्रिल मशीन का जो बॉडी है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चिपकाना है। उससे पहले आपको और एक काम करना है, ESC का जो वायर है वो थोड़ा छोटा है, अंदर रह गया, तो उसको बढ़ाने के लिए मैं ये कनेक्टर वायर का जो यूज कर रहा हूँ। आपके पास नहीं है तो ये कनेक्टर आप डायरेक्ट वायर सोल्डरिंग करके भी निकाल सकते हैं इस तरीके का। उसके बाद इस होल के अंदर से दोनों वायर को निकाल लेना है नीचे की तरफ और अच्छे से इस ड्रिल मशीन को बिल्कुल सीधा सेंटर करके यहाँ पे फेविक्विक की मदद से अच्छे से यहाँ पे चिपका देना है। यहाँ पे गाइस इसका लुक जो है देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है। अभी गाइस इसका बैटरी पे आते हैं। मैं यहाँ पे 18650 लैपटॉप बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। 3 बैटरी मैं यहाँ पे लिया हूँ, तीनों को मैं सीरीज में कनेक्ट करके 12 वोल्ट में तैयार करने वाला। यहाँ पर इस बैटरी का कनेक्शन जो है काफ़ी आसान है। साइड पे जो इमेज आप देख रहे हो उसे देखकर आप इजीली इसका कनेक्शन कर सकते हो। बैटरी प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक BMS भी लगा रहा हूँ और इस बैटरी को काफ़ी आसानी से चार्ज भी कर पाएगा। तो फटाफट से BMS में मैं डबल साइड टेप लगा के इस बैटरी के ऊपर इस प्रकार से मैं चिपका देता हूँ। बैटरी के साथ BMS का जो कनेक्शन है काफ़ी आसान है, साइड पे आप इमेज देख के इजीली कर सकते हो। मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ। तो कुछ इस तरीके से बैटरी का जो है बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे अभी इस तरीके से लगाना है। उससे पहले एक ऑन ऑफ स्विच लेना है और एक 12 वोल्ट का फीमेल जैक लेना है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो फीमेल जैक मैं इस जगह पे लगाऊंगा और ये स्विच जो है इस जगह पे मैं फिट करने वाला हूँ। स्विच को अच्छे से बिठाने के लिए थोड़ा ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कटर की मदद से अच्छे से यहाँ पे ग्रुप बना लिया हूँ और इस जगह पे होल भी कर लिया हूँ। प्लायर के मदद से ESC का जो पॉजिटिव वायर है इस जगह से निकाल लेना है और कटर के मदद से अच्छे से कटिंग कर देना है। कटिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्विच को सोल्डरिंग करना है। फटाफट से स्विच को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया हूँ। अभी स्विच से जो वायर निकला हुआ है उसे मैं इस तरीके से होल के अंदर से डाल के और स्विच को यहाँ पे अच्छे से बिठा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बैटरी लगाना है, तो बैटरी का कनेक्शन जो है काफ़ी आसान है। बैटरी का नेगेटिव वायर ESC का नेगेटिव वायर दोनों को एक साथ में जोड़ देना है और ESC का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव दोनों को एक साथ में जोड़ के सोल्डरिंग कर देना है इस तरीके से। 12 वोल्ट फीमेल जैक को इस जगह पे अच्छे से फिट कर देना है। उसके बाद बैटरी का जो नेगेटिव जॉइंट है उसे फीमेल जैक के नेगेटिव पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देना है और पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देना है। तो इस तरीके से इसका जो है कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी बैटरी के ऊपर डबल साइड टेप लगा के अच्छे से बैटरी को इसके अंदर फिट करना है। आराम आराम से बैटरी को अंदर डाल के और अच्छे से इसमें चिपका देना है। उसके बाद गाइस बैटरी को ढकने के लिए दोनों साइड का ढक्कन मैं PVC शीट से काट के तैयार कर लिया हूँ। अभी इस तरीके से एक एक करके मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। फिर दोनों साइड अच्छे से फेविक्विक की मदद से बिल्कुल यहाँ पे चिपका लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रिल मशीन कम्प्लीट हो चुका है, तो चलिए अभी इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। इस ड्रिल मशीन को चार्ज करने के लिए मैं 12 वोल्ट एडेप्टर का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी 12 वोल्ट एडेप्टर से इसे चार्ज कर सकते हो। तो फटाफट से मैं चार्ज पर लगा दिया हूँ। यहाँ पे गाइस चार्ज कंप्लीट हो चुका है, तो अभी कुछ ड्रिल करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट से इसमें ड्रिल बिट लगा लेते हैं। ड्रिल बिट को अच्छे से अंदर डालने के बाद बढ़िया से इसको जो है टाइट करना है। तो मेरे हाथ में जो एक की देख रहे हैं ये ड्रिल चक के साथ ही मिला था, तो इस की के मदद से अच्छे से बिट को यहाँ पर टाइट कर लेना है। तो ये टाइट हो चुका है, अभी चलिए इसे ऑन करते हैं। ऑन करते ही कुछ बीप का आवाज़ सुनाई देगा और उसके बाद पीछे से नॉब को घुमाने से ड्रिल मशीन घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से घूम रहा है। तो चलिए अभी प्लाईवुड पे मैं यहाँ पे होल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं प्लाईवुड को कितना आसानी से यहाँ पे होल कर दे रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी मैं ताकत नहीं लगा रहा हूँ, बस आराम से रख दे रहा हूँ मशीन को और अपने आप ये होल हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसका। मैं इसे एक सॉलिड लकड़ी को होल करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना आसानी से मक्खन की तरह बिल्कुल ये होल कर दे रहा है। आपको अगर लगे कि इसका स्पीड कम है, आप इजीली इसका स्पीड पीछे का नॉब घुमाकर बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं एक PVC पाइप को होल करके दिखा रहा हूँ कितना आसान तरीके से ये पाइप को जो है होल कर दे रहा है। इस ड्रिल मशीन से मैं आपको मेटल भी होल करके दिखाऊंगा।
काफी अच्छा ड्रिल मशीन है, आप इजीली घर का कोई भी चीज ड्रिल कर सकते हो आसानी से। गाइस ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। आपको अगर इस ड्रिल मशीन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हो। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।